भागदौड़ की जिंदगी में अगर देखा जाए तो महिलाएं अपने ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती हैं। अगर छोटा सा भी पिंपल फेस पर आता है तो परेशान हो जाती है। स्पॉट्स भी अगर उनको जरा सा स्पॉट्स भी होता है तो भी वो परेशान हो जाती है कि ये स्पॉट्स कैसे जाए। और अगर स्किन की बात होती है तो सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि इसके लिए क्या क्या टिप्स हो सकते हैं कि जल्दी से स्पॉट्स हट जाए या फिर पिंपल्स हट जाए। और अगर मेकअप की बात की जाए तो मेकअप में भी लोग समर के जो समर चलते हैं तो समर में मेकअप जो महिलाएं करती हैं उनको पसीना आने लगता है, जल्दी मेकअप नहीं टिकता है ज़्यादा देर तक और वो पसीने से बहने भी लगता है। तो चाहे जितने भी महंगे प्रोडक्ट यूज़ कर ले, इफ़ेक्ट ज़रूर कहीं ना कहीं पड़ता है। तो हम इन सब बातों को जानने के लिए मौजूद हैं ड्रीम्स मेकओवर स्टूडियो में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मोनिका हुसैन जी, जो ब्यूटीशियन है और मेकअप आर्टिस्ट है। इनसे जानेंगे इन सभी बातों को। हेलो मैम, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे। मेरा नाम मोनिका हुसैन है। मैंने अपना ब्यूटीशियन कोर्स अपनी कॉलेज के टाइम से ही कंप्लीट कर लिया है। मुझे इस फील्ड में 7 ईयर्स हो चुके हैं और 4 ईयर्स से मैं अपना सैलून, खुद का सैलून है मेरा। जैसे कि आजकल देखा जाता है मैम, समर की अगर बात की जाए, समर चल भी रहे हैं तो पार्टीज जो मेकअप करती हैं लेडीज़ें तो उनका मेकअप पसीने से बहने लगता है, ज़्यादा देर तक रहता नहीं है, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, ये प्रॉब्लम सबके साथ आती है। गर्मियों में मेकअप में स्वेटिंग आना, ये सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम लोगों को मेकअप से पहले जो प्रिपरेशन करते हैं ना, उस पर खास ध्यान देना चाहिए। जैसे चेहरे को सबसे पहले अच्छे से क्लीन कर लिए, उसके बाद एक आइस वाटर में अपने 2 से 3 मिनट तक चेहरे को डिप करते रहें। उसके बाद गर्मियों में ना जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए, तो आप अच्छे से, उससे क्या है अपनी स्किन अच्छे से हाइड्रेट रहेगी। उसके बाद जो हम अपना मेकअप करते हैं वो हमारा लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है और स्वेट प्रूफ भी रहता है। ट्राई करिए कि मेकअप मैट बेस्ड यूज़ करें, जिससे स्वेटिंग कम आएगी और हमेशा मेकअप को पाउडर से सेट किया जाएगा। अगर देखा जाए तो आजकल ज़रा सा भी स्किन पे स्पॉट्स हो जाता है, छोटे छोटे बच्चों को भी देखा जाता है कि छोटी सी एज में उनके पिंपल्स आने लगते हैं फेस पे। कहा जाता है कि फास्ट फूड खाने से या ऑयली फूड्स खाने से ऐसा होता है, तो ये क्या मतलब कहाँ तक ही सही है? देखो, ये बात तो सही है। टीन एज में हमारी ना हार्मोनल्स बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती है। तो इसके लिए हम लोगों को प्रॉपर डाइट भी फॉलो करना रहता है, स्किन केयर में भी अच्छे से ध्यान देना चाहिए। हम लोगों को स्किन केयर का ध्यान टीन एज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे हमारी स्किन आने वाले टाइम में हेल्दी भी रहे और डाइट पे भी ध्यान देना चाहिए हमको। डाइट का भी मेन रोल प्ले करता है। लेकिन कहा ये भी जाता है कि टीन एज से मतलब ज़्यादा फेशियल वगैरह कुछ ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए कि स्किन लूज होने लगती है। देखिए, आप ना घर में कुछ होम रेमेडी और अच्छा सा स्किन केयर जैसे सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर अगर आप फॉलो करेंगे तो फेशियल की भी नीड रहेगी। टीन एज में उतनी नीड नहीं है हमको, बट सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे स्किन के लिए। इसको हमको टीन एज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। क्या क्या किस एज से जो है ये फॉलोअप करना चाहिए, ये अपनाना चाहिए, मतलब ब्यूटीशियन का पूरा ट्रीटमेंट? ब्यूटीशियन ट्रीटमेंट्स 20 प्लस आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन देखा जाता है कि आजकल छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं वो कैसे मतलब पार्लर्स में आपको दिखाई देते हैं या सलून्स में दिखाई देते हैं? तो वो हम ब्यूटिशियंस का काम है कि हम उनको स्किन केयर सजेस्ट करें, होम रेमेडी सजेस्ट करें, ना कि ट्रीटमेंट्स में जाएं। इतनी कम एज में ट्रीटमेंट्स नहीं रहता, उसके लिए हम होम रेमेडी फ्रूट फेशियल कर सकते हैं जो उनके स्किन के लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। आजकल देखा जाए जो लेडीज है 30 प्लस की होती हैं, उनके रिंकल्स होने लगते हैं, चाहे वो आईज पे हो या फिर माउथ पे हो, तो इसके लिए वो थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा देख के परेशान होने लगती है कि मेरे अभी से ये इस एज में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इतनी जल्दी हो रही हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? जो 30 प्लस हमारा मतलब हमारा एंटी एजिंग पार्ट स्टार्ट हो चुका है, इसलिए हम बोला जाता है कि 20 प्लस आने के बाद ना स्किन केयर ये सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपना स्किन केयर शुरू से अच्छा रखेंगे ना, तो आगे चल के हमको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी और एजिंग हमारा स्लो होगा। आएगा तो सही, एक टाइम पर आना ही है, बट ये स्लो आता है। अगर हम प्रॉपर मंथली फेशियल्स लें, 25 प्लस हैं तो आप मंथली फेशियल लें, क्लीन अप्स ले सकते हैं। और एंटी एजिंग जब आते हैं तो हमको रेटिनॉल्स यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारा एजिंग स्लो होता है, और सनस्क्रीन बहुत मैंडेटरी है। आजकल प्रोडक्ट में बहुत से ऐसे क्रीम्स आ गए रिंकल्स के लिए, तो क्या वो कहाँ तक हो सही है? देखिए, हर प्रोडक्ट तो नहीं, बट आप अपना डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट से सजेस्ट करवा के आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पैराफिन फ्री भी हैं, ऑर्गेनिक भी हैं, उन प्रोडक्ट्स में जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
आपने अभी 30+ की बात करी है कि 30+ की जो लेडीज रहती है उनको क्या क्या यूज करना चाहिए ट्रीटमेंट। अगर हम फेशियल की बात करें, ज्यादातर देखा जाता है कि उनके पास टाइम नहीं रहता, वर्किंग वुमेन्स रहती हैं वो, मतलब जल्दी वाला चाहती है कि मुझे जल्दी हो जाए मेरा काम, मैं फ्री हो जाऊँ, तो उसके लिए उनके लिए क्या करना चाहिए? उनको मंथली में टाइटनिंग मास्क, मास्क से हमारा स्किन ना टाइट होता है, आप मास्क यूज़ कर सकते हैं, टाइटनिंग फेशियल्स होते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, रेटिनॉल जैसी स्किन केयर में क्रीम को आप फॉलोअप कर सकते हैं जिससे आपका स्किन बहुत ज़्यादा टाइट रहेगा और लंबे टाइम तक आपको एजिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अंडर आइस के नीचे जो रिंकल्स आते हैं उसमें अंडर आई क्रीम यूज़ कीजिए, अपना फेशियल एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, मसाज से भी हमारा जो फेस लिफ्ट होता है और रिंकल्स लंबे टाइम तक नहीं आते हैं। आजकल देखा जाए तो पिगमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा लोगों को होने लगा है, इसके बारे में कुछ बताइए। पहली चीज़ होता क्या है पिगमेंटेशन, मतलब झाइयाँ, ये होती इसलिए जो कि ना हमारे बॉडी में मिनालिन रहता है वो ज़्यादा सीक्रेशन होने लगता है जिसके कारण से पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। और वो क्यों होता है, क्योंकि हम आजकल अपना लाइफस्टाइल पे तो ध्यान नहीं देते, लाइफस्टाइल तो सबकी ख़राब हो चुकी है, बिना सनस्क्रीन लगाए धूप में निकल जाना, कंटिन्यू फ़ोन यूज़ करते रहना, लाइट्स में रहना, और ये सब लाइट्स यूवी रेस के कारण मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। वो हमारे स्किन का प्रोटेक्शन का काम करता है, वो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट कर रहा है और मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है जिसके कारण पिगमेंटेशन हो जाता है। ठीक है, उसके लिए हमको देखो पिगमेंटेशन ना आए ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है, इसलिए हमको सनस्क्रीन तो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, सनस्क्रीन सभी को लगाना है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप कुछ फेशियल्स होते हैं एंटी पिगमेंटेशन फेशियल, उसको ले सकते हैं आप, एंटी पिगमेंटेशन क्रीम है जिसको आप डेली फॉलोअप कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है जिससे पिगमेंटेशन आपका लाइट होगा और धीरे धीरे कम होते जाता है। पिगमेंटेशन की भी क्या कोई एज होती है कि मतलब क्या किसी भी एज के लोगों को हो सकता है ये किसी भी एज के लोगों को हो सकता है, अगर आप स्किन का अच्छे से केयर नहीं करेंगे, फेशियल टाइम टू टाइम नहीं लेंगे, सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो ये हो सकता है। खासकर ये प्रेग्नेंट लेडी को ज़्यादा होता है क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी में मेलानिन का सीक्रेशन ज़्यादा रहता है। अच्छा मैम, ऐसा भी देखा जाता है कि जो पिगमेंटेशन झाइयाँ मतलब थोड़े टाइम के लिए वो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो चली तो जाती है लेकिन फिर रिटर्न फिर वापस आ जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए ये तो ऑब्वियस प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन हमारी स्किन से कभी जाता नहीं है, हम ये सब फॉलो करेंगे तो हमारा पिगमेंटेशन लाइट होता है बट ये कभी स्किन से जाएगा नहीं हमारे। ठीक है, और ये ना आए इसके लिए आपको सनस्क्रीन ही लगाना है, रेगुलर सनस्क्रीन आप घर में तो भी आपको सनस्क्रीन यूज़ करनी है, तो इसके लिए पहले से ध्यान रखें ताकि पिगमेंटेशन आए ही ना, और आ गया है तो उसको लाइट रखने के लिए आप फेशियल्स ले सकते हैं, स्किन केयर फॉलो कर सकते हैं, बस ये लाइट। आपने बताया कि आपको 7 ईयर्स लाइन में हो गया है, आखिर आपने ये लाइन ही क्यों चुनी कि मतलब ड्रीम्स मेकओवर आपका पहले से ड्रीम था स्टार्ट करने का? जी, मुझे बचपन से इसका बहुत शौक है, ड्रीम्स का मतलब मेरे को मेकअप भी पसंद है काफ़ी, मेरे को ब्यूटी से बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये जो अपनी फील्ड है ना टाइम के टाइम चेंज होते रहती है, इसमें हर टाइम कुछ आपको नया देखने के लिए मिलेगा, तो ये हमेशा कुछ नया सीखो, कुछ नया करो, नए लोगों के साथ मिलो, और मेरे को बहुत पसंद है मैं किसी को अगर बहुत ज़्यादा सुंदर बना रही हूँ कोई कैसा है और उसको कैसा करके मेकओवर करके भेजना, बहुत अच्छा लगता है, और जब क्लाइंट सेटिस्फाइड रहते हैं मेरे काम से तो मेरे को सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस तब फील होती है। अभी आपने अपने वर्क की बात बताई है, ऐसे बहुत सारे आपके जैसे भी होंगे सलून्स और भी, तो आपके सलून्स में क्यों आए क्लाइंट, क्या स्पेशल आप सर्विसेज देती हैं? मेरे यहाँ क्लाइंट इसलिए आना पसंद करते हैं क्योंकि ना यहाँ पे क्लाइंट सेटिस्फाइड होके जाते हैं, हमारा मेन कंसर्न ये रहता है कि मैं अपनी सर्विस से अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाइड करके भेजूँ, और यहाँ पे आके हम लोग मतलब प्रोफेशनली टर्म्स नहीं रहते हैं, मेरा पर्सनली भी रहता है कि मैं उनको कंसल्ट करती हूँ कि उनके स्किन केयर में उनको घर में क्या फॉलो करना चाहिए और कब कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो उनको कैसे अपनी स्किन को ट्रीट करना है, ये सब चीज़ मैं उसको उनको बताती हूँ अपने क्लाइंट्स को ताकि वो हमेशा मेरे साथ रहें। इसके साथ में आपका ट्रेनिंग सेंटर भी है तो इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, हमारा ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे हम ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाते हैं, मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स रहता है, हेयर आर्टिस्ट का कोर्स है, हेयर ड्रेसिंग का कोर्स है। क्या क्या टाइमिंग है मैम इसकी? देखो ब्यूटिशियन कोर्स ऐसा है कि 6 to 8 months का रहता है, 3 months हम ट्रेनिंग देते हैं, 3 months आपकी प्रैक्टिस रहती है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए, हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कम्प्लीटली प्रोवाइड करते हैं,
मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स रहता है 1 मंथ का, जिसमें आपको मैं एक दिन मेकअप सिखाती हूँ और आप दूसरे दिन प्रैक्टिस करते हैं। आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो शूट्स वगैरह भी होते हैं, यहाँ पे आप प्रैक्टिस करके अपने शूट्स भी कर सकते हैं मॉडल्स का। और मतलब मेरे तरफ से ये कंप्लीट गारंटी रहती है कि मेरे स्टूडेंट को जितना आना चाहिए मैंने सब चीज़ सिखाया है, ताकि वो हर एक आगे चल के अच्छा अपना सैलून डाल सके और हर चीज़ अच्छे से कर सके। अगर आप पहले मैंने पिंपल्स की बात की थी आपसे, तो क्या ऐसे कुछ घरेलू टिप्स बताइए लोगों को जो बहुत परेशान रहते हैं, अगर एक भी पिंपल्स फेस पे आता है तो उसको जल्दी से जल्दी कैसे हटाया जाए? देखो, पिंपल्स तो एक नेचुरल चीज़ है, एक तो जल्दी से जल्दी उसको हटाने के लिए कभी कुछ नहीं करना चाहिए। अगर वो आ रहा है हार्मोनल चेंजेस या किसी भी कारण आ रहा है तो उसको टाइम दो, वो अपने आप चले जाएगा। हाँ, डार्क स्पॉट जब अगर उसके रह रहे लंबे टाइम तक ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको विटामिन सी से आप कवर अप कर सकते हैं। विटामिन सी रेगुलर लगाइए तो आपके डार्क स्पॉट्स रिमूव होते हैं। कहा जाता है कि जब पिंपल्स अगर आपके फेस पे आ गए तो उसको टच नहीं करना चाहिए। ये सही बात है, आप टच करेंगे हमारे वो तो एक तो बैक्टीरिया के कारण आपका पिंपल हुआ है, आपके हाथ में एनी टाइम बैक्टीरियाज रहते हैं, आप टच कर रहे हो वो और बढ़ेगा, ठीक है? इसलिए हमको अवॉइड करना चाहिए, हैंड्स नहीं लगाना चाहिए। तो पिंपल्स पे भी हम सनस्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं? हाँ, आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं, सनस्क्रीन बेस्ट है। सनस्क्रीन को हमको फेस में, नेक में कम्प्लीटली कवर करना चाहिए, हमारे बॉडी में जो भी ओपन पार्ट है वहाँ पे आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए। ड्रीम्स मेकअप ओवर ब्यूटी सैलून में लोग क्यों आए, इसके दो आप तो जो भी क्वालिटीज़ हैं वो हम अपने जो है आपके भी यहाँ पे जो क्लाइंट्स होंगे देखेंगे तो उनको बताइए। हम यहाँ पे आपके बजट के अकॉर्डिंग अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमारा प्रोफेशनल से ज़्यादा पर्सनली टर्म्स भी अच्छा रहता है। और यहाँ पे आप आएंगे तो आप सेटिस्फाइड होके जाएंगे, रिलैक्स होके जाएंगे, यहाँ पे आप आके अपना टाइम इंजॉय कर सकते हैं और रिलैक्स होके जाएंगे। थैंक यू सो मच हमसे बात बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ ड्रीम्स मेकओवर सैलून की ओनर मोनिका हुसैन जी, जिन्होंने अपने सैलून के बारे में बताया। और जो भी लेडीज़ या फिर जो भी हमारा वीडियो ये देख रहे हैं तो इन्होंने जो भी टिप्स बताई उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए। उन्होंने एक बात ज़रूर बताई है कि सनस्क्रीन का आप प्रॉपर यूज़ करिए तो आपको कभी भी मतलब कुछ भी पिंपल्स नहीं होगा या जो भी सनबर्न हो जाता है वो भी नहीं होगा, और अगर जो पिगमेंटेशन भी स्टार्ट होने लगते हैं वो भी कहीं हद तक नहीं होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ मनु तिवारी, वी न्यूज़ छत्तीसगढ़। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।